पहले खजूर के शेक के ऊपर ही बात करते हैं कि ये जो खजूर है इसको अगर हम पीते तो हमारी स्किन, अल्लाह कैसी मैं मोटी हूँ ये शेक जरा उठा ले यहाँ पे। आप मुझे बताएं कि खजूर के शेक से क्या फायदे हो सकते हैं स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से? नहीं, जैसे महबूबा बता रहे हैं कि एक तो खजूर पूरा एक कंप्लीट मील है, इतनी एनर्जी आपको मिलती है फुल टाइम अगर आप 2 से 3 खजूरें, इवन बच्चे अगर या बड़े लोग ये सुबह नाश्ता नहीं करते अगर ये शेक पी लें तो आपको पूरी एक एनर्जी मिलती है। मगर ये नहीं कि इसके बाद बहुत सारी खवातीन, आप यकीन करें महबूबा भाई, बड़ा मैं एक परेशान जो होता हूँ कि क्लिनिक में देख रहा होता हूँ ये कैसे हो सकता है कि आप बताएं कि मैं एक अकाउंट खोलूँ अपना, ठीक है उसमें 1,00,000 रुपए वो डिपॉजिट दिखा रहा हूँ मगर मैं कहूँ कि मैंने 5,000 रुपए जमा कराए। इसी तरह जब तक आप खाएंगे नहीं ना, देखिए जब तक आप खाएंगे नहीं, या तो मैं 1,00,000 रुपए जमा कराऊं और 98,000 खर्च कर दूं तो 2,000 बचेंगे, मगर ये कैसे हो सकता है कि मैं सारा दिन एक लाल चपाती खाऊं, एक पूरे दिन, ठीक है, और एक छोटा बोल सारे दिन में उबले हुए चावल खाऊं और मेरा वेट बढ़ता चला जाए और वो विटामिन की गोली मेरा वजन बढ़ा दे। ये आप इतना बहस कर चुके हैं, बात करें कि हमें बहुत सारे कॉलर कॉल करके बोलते हैं कि मैं मेरी डाइट बिल्कुल कंट्रोल्ड है, मैं सुबह नाश्ता नहीं करती, मैं नहीं करती और मैंने एक स्लाइस का मेरा वजन बढ़ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं, नहीं मेडिकली नहीं पॉसिबल। हम इसी वजह से हम बोलते हैं कि जी आप डायरी मेंटेन करें, आपको 24 घंटे एक दफा लिखेंगे ना आपको खुद पता लग जाएगा प्रॉब्लम। मैंने तो कहा है कि मैंने कहा मुझे तो वीडियो चाहिए, आपने सारा दिन जो खाया है उसकी वीडियो चाहिए, डायरी वायरी कुछ नहीं, वीडियो चाहिए मोबाइल में, वो मैं देख के बताऊंगा कि क्या गड़बड़ है। आप जब तक अपनी देखिए विटामिन और या जूसेस जो हैं वो एकदम से अगर आप बहुत जूसेस पियेंगे डेफिनेटली बहुत शक्कर जाएगी, मगर विटामिन अगर आप सुबह शाम खाते, ऐश्वर्या रॉय दिन में 6 विटामिन खाती हैं, ठीक है, और 2 से 3 इतने बड़े ग्लास से हम 12 खाएंगे अच्छा, उनका वजन नहीं बढ़ता। अच्छा यहाँ पे खवातीनों हजरात को आप चावल रोटी, आप अगर आपको वेट एकदम से पतला होना है, ऐश्वर्या रॉय बनना है, तो फिर आप प्लीज अपने आप को मारें, उसके बगैर आपका वजन कम नहीं, मतलब मारने से मुराद ये कि आप अपने आप को बड़ा बर्न करे ना कैलोरी, मेजर इनको मारना है शुरू ये मुझे परेशान है आज आज मैं अच्छा फातिमा ने सवाल किया, ये चाइना में मेडिकल की स्टूडेंट हैं और उन्होंने कहा कि इनके डार्क सर्कल बहुत है आंखों के, ठीक है, और साथ साथ इनके जो लिप्स है ना वो भी चारों तरफ से ब्लैक हो गए हैं, सही, ठीक है, अच्छा, और साथ साथ चिन, ये बड़ी जरूरी है, खवातीन को एक साथ ही सब होते हैं, डार्क सर्कल, चिन, बिल्कुल सही, ये अपर लिप्स और ये सब काले हो गए, और ये चाहती हैं कि आपका हमारा प्रोग्राम देखती है, प्लीज इनको आप जवाब दे दीजिए और सजेस्ट करें कि ये क्या करें चाइना में रहकर क्या कर सकते हैं। मैं चाइनीज रेमेडी बताता हूँ ये देखिए बड़ी जबरदस्त, अगर आपके एज स्पॉट्स आ रहे हैं, आपके लिप्स के अराउंड एरिया काला हो रहा है, डार्क सर्कल्स बहुत है, तो ये आप एक बड़ा अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे, ये देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है कि 1 से 2 फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे आप 1 से 2 टेबल स्पून लो फैट योगर्ट, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर डालिएगा 1 चम्मच आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी, उसके अंदर ऐड करेंगे आप 1 चम्मच चाइनीज ग्रीन टी, ठीक है, चाइनीज ग्रीन टी होगी और थोड़ा सा एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट होगा और थोड़ा सा होगा लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर ऑयल, मुल्तानी मिट्टी, चाइनीज ग्रीन टी, चाइनीज ग्रीन टी या चाइनीज हर्बल टी, उसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, दही और स्ट्रॉबेरी, ये मिक्सचर बनेगा, ठीक है, और ये मिक्सचर आप रोजाना जैसे कहते हैं ना कि लेप कर दें, आप लेप कर दें जब आप किचन में हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो 2-3 घंटे आप डार्क सर्कल्स पे पूरे फेस पे नेक पे लेप कर दीजिएगा और रात को पूरे फेस पे लगा के सो जाए, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जी, एंटी पिगमेंट्री और रंग आपका साफ करेगा, और साथ में आपको क्या करना है कि अगर आपके फिर भी डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है, सिलीनियम 6x सुबह शाम एक छोटी सी टैबलेट मीठी सी होती है वो जरूर खाइएगा, और दूध पिए रोजाना बहुत ज्यादा जरूरी है, दूध में 1 पिंच हल्दी डालिएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, ठीक है, अच्छा सारे जितनी भी मिल जाती है उस पर ज्यादातर डार्क सर्कल, पिंपल्स और गोरा करने की क्रीम, इस चीज के बड़े बहुत इशू है। हम नेक्स्ट लिखी है जो मेल अरीज खान ने, वो पूछ रही है कि आपने कोई एक फेयरनेस के लिए क्रीम बताई थी, बिल्कुल, ठीक है, और VTA क्रीम, विटामिन ए क्रीम, विटामिन ए, ठीक है, वो शॉर्ट है, बिल्कुल, सारे बड़े मेडिकल स्टोर जो मैंने देखे उन्होंने कहा वो शॉर्ट है, आपने बताया था कि विटामिन ई, विटामिन सी एंड ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम ले ली
है लेकिन विटामिन ए क्रीम जो है वो शॉर्ट टेबल मिल नहीं रही, अगर उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट है, क्या मिला? अच्छा, एक तो विटामिन ए, विटामिन सी की टैबलेट लेंगी ना, विटामिन सी की टैबलेट लेंगे। अच्छा, विटामिन ए आपको मिलता है आमतौर पे, जैसे अगर आप थोड़ा सा आप उसमें चुकंदर ले लें, ठीक है, चुकंदर के अलावा विटामिन ए क्रीम तो मतलब की बाकी चीजें चुकंदर खा लें? नहीं नहीं, चुकंदर हिल नहीं, हिल नहीं ले, बिल्कुल नहीं ले। देखिए, आपको विटामिन सी के दो टैबलेट आप बिल्कुल क्रश करके डालिएगा, विटामिन सी के दो कैप्सूल्स पेयर्स करके डालिएगा, थोड़ी सी ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, ठीक है, इतनी, ये जो एक आपकी एक डिजिट होती है ना, इतनी क्रीम आप डालिएगा, ठीक है, और उसके अंदर ऐड कीजिएगा या तो एक थोड़ा सा चुकंदर बॉइल्ड, या फिर आप ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके, या फिर क्रीम अगर मुंह पे लगाएंगे तो हम लालू राम नहीं बन जाएंगे? घर में लगाए उसके बाद आपके गुलाब से मुंह धोएं, मेडिकेटेड उपटन से मुंह धोएं आप। और अगर हमें विटामिन ए क्रीम नहीं मिल रही है तो उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि हम चुकंदर को उबाल के ग्लिसरीन में ऐड करके, इतना आपने बोला, मतलब एक जो उसका पीस होता है, एक परत जो होती है, हाँ। वो बिल्कुल क्रश करके। चुकंदर के अलावा और किस में हमें विटामिन ए मिल सकता है? चुकंदर के अलावा बहुत सारी चीजें, गाजर में है। क्या बात है डॉक्टर ने दा की, बिल्कुल बड़ा परेशान हो गया था एकदम, लटका दे दिया। मैं खोलने वाली हूँ, प्रोफेसर नागी भी है, नागी भी है। मैं इसके बारे में मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ, लेकिन हाजिर दिमागी माशाल्लाह। देखिए, पढ़ना होता है, सबने हमने पढ़ा हुआ, मगर एकदम से देख, हाजिर दिमागी करें भाई, बेइज्जती कराए। सवाल ही वो करती हूँ जिसके जवाब मुझे आते हैं। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, खालिदा मलिक, वाइंड अप, अल्लाह, खालिदा मलिक तुम्हारा दिल टूट गया होगा। खालिदा मलिक से कलेक्टर दाग करेंगे ना, इंशाल्लाह। तो फिर वाइंड अप करना है? जी जी। अच्छा, तो वाइंड अप कर लें तो आज का ये मलाई टिक्का कब खाएंगे फिर हम? पोजेस बनेंगे ना, हम खाते हैं आप। अच्छा, आज का एपेटाइजर जो कि मेरा वाला जो था, मुझे कुछ इतना मजेदार नहीं लग रहा था, तो शेफ महबूब ने मुझे कहा, ये मोबाइल खोला, ये निदा, ये डिजर्ट बताना आज। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आज का डिजर्ट, गुड पीपल डू नॉट नीड लॉज टू टेल देम हाउ टू एक्ट, नहीं दोबारा सॉरी, गुड पीपल डू नॉट नीड लॉज टू टेल देम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, है ना, सही, व्हाइल बैड पीपल विल फाइंड अ वे अराउंड द लॉज। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे दिल के लोग हैं, जो उसूल पसंद लोग हैं, उनको जरूरत नहीं है लॉज की, वो खुद उनका दिल में, हाँ। एक वो लॉज की वो किताब या सिग्नल्स वगैरह सब लॉजी लोग होते हैं, वो कानून में भी कुछ ना कुछ जुगाड़, हाँ, जुगाड़ी जो लोग हैं ना, वो फिर जुगाड़ी रहते हैं, हाँ। तो इसी बात के साथ दीजिए शेफ महबूब यासर और डॉक्टर खुर्रम को इजाजत। हम शेक इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त रेसिपी है, देखने ना भूलिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में, डी फ्राइड जॉइंट्स है ना, हाँ, डी फ्राइड जॉइंट, टिपिकल क्वेटा की डिश, और जो आ रहे थे उनको पता है क्या डिश, बहुत मजे की, मैं चाहता कि अपने प्रोग्राम में बनाऊं। बिल्कुल जी, कल मिलेंगे आपसे बहुत अच्छे मजेदार से प्रोग्राम के साथ, मलाई टिक्कों पे टूट पड़े हम, हाँ। आपके लिए अल्लाह हाफिज, टूट पड़े।